तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ऊपर छत में बैठी हूँ और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है। इस समय अभी हो रहे हैं 6:30 और यहाँ पे मतलब इतना मुझे अच्छा लग रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी फ्रेश एयर मुझे मिल रही थी। तो मैं मॉर्निंग में ऊपर आई थी एक्सरसाइज करने, योगा करने के लिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इतना सुंदर नज़ारा शेयर करूँ, आप लोगों के लिए एक व्लॉग बनाऊँ। और यहाँ पे सामने जो आप ये ट्रीज देख रहे हैं, सामने मैंगो ट्री है, ये हमारे घर में ही है। और इधर की साइड आप सामने अगर देख रहे हैं तो आपको सामने माउंटेन्स दिख रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आपने आपको आगे बताया है कि हम लोग नैनीताल के पास रह रहे हैं, तो ये जो माउंटेन्स हैं ये नैनीताल के माउंटेन्स हैं। और यहाँ पर जो सामने आप लोग ये ट्री देख रहे हैं, ये है लीची ट्री। लीची के मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसका क्लोजअप ले रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लीची ट्री है। और अभी आपको इसमें यहाँ पे लीची ऐसे नहीं दिख रही होगी, मैं आपके लिए अलग से इसके लिए एक ब्लॉग बनाऊँगी, अलग से एक वीडियो बनाऊँगी इसके लिए, जहाँ पर आपको मैं पूरी जगह से लीची का पूरा पेड़ दिखाने वाली हूँ। और अभी इसको ये लीची काफ़ी बड़ी हो गई है, जब मैं आई थी यहाँ पर आई थिंक 20 डेज पहले, तो ये लीची बहुत ही छोटी थी, तो अब ये काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो इसका मैं पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ अलग से शेयर करूंगी। और सामने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, सामने ये माउंटेन्स हैं, नैनीताल का जो पहाड़ है ये पूरा यहाँ से हमारे घर से नज़र आता है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं बैठी हुई हूँ और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज करने के लिए बैठी हुई हूँ। तो ये हमारी छत है और हमारा पूरा नीचे ग्राउंड फ्लोर तो पूरा बना हुआ है और ये ऊपर हमारी पूरी छत है। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग देखा और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो एक्चुअल में मैं बीच में अपना व्लॉग नहीं बना पाई, अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, बिकॉज हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया है बेंगलोर में। जैसे कि आप लोगों ने मेरे वहाँ के भी कुछ वीडियो देखे थे, व्लॉग देखे थे, तो बेंगलोर से हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया है यहाँ पे नैनीताल हम लोग पहुँच चुके हैं। हमारा जो घर है ये नैनीताल के मतलब हमारे घर से जो नैनीताल है वो 1 घंटे की दूरी पर है। तो हम लोग नैनीताल के ऑलमोस्ट आसपास ही रहते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट कर लिया है और हमें काफ़ी टाइम लगा, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, जिस वजह से मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़्यादा कुछ वीडियोस या अपने जो मैं वीडियोस अपलोड करती थी, जो भी मैं वीडियो अपलोड करती थी वो नहीं शेयर कर पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ पर अब हम लोग पहुँच चुके हैं, यहाँ पर हम लोग 17 को पहुँच गए थे, तो अब हमें ऑलमोस्ट 1 मंथ यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर हम लोग आए तो उसके बाद थोड़ा सा सेटिंग में भी हम लोग को टाइम लग गया, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही थी। तो लेकिन अब से मैं जो हमारे ब्लॉग्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो मेरे चैनल का नाम है उसको भी मैं सोच रही हूँ नेम चेंज कर लूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट करें कि मैं अपने चैनल का नाम क्या रखूँ, क्योंकि आप लोग सब मेरे चैनल को प्रीति सुपर स्टाइल के नाम से ही जानते हैं। तो अगर मैं चैनल चेंज करूँगी तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा चैनल है, ताकि आप लोग मेरे ब्लॉग्स को एन्जॉय कर सकें। तो अगर आप लोग मुझे प्लीज़ सजेस्ट करें कमेंट में कि मुझे अपने चैनल का नाम क्या रखना चाहिए, क्योंकि मैं अब से यहाँ पर जो नैनीताल की जितनी भी सुंदरता है और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं आसपास की वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं आप लोगों से पूछूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करने की। और अपना प्यार जरूर बनाए रखिएगा, मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को
शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग क्या और यहाँ पे क्या क्या देखना चाहते हैं, यहाँ के बारे में क्या जानना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे को ज़रूर सपोर्ट करें। तो आई होप कि आप लोग मेरे इस व्लॉग को ज़रूर एंजॉय करेंगे। Honey.